assalamu alaikum very warm welcome to the next session of corporate law my dear students in this today's session we will be discussing a very interesting topic which is prevention of oppression and mismanagement baat ye hai ki agar aap is topic ki jo wording hai uske upar gaur to इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है उसका अंदाजा हो जाएगा यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो है प्रिवेंशन ऑप्रेशन और मिसमैनेजमेंट प्रिवेंशन किस चीज की हो रही है ऑप्रेशन की प्रिवेंशन की जा रही है, और मिस मैनेजमेंट की प्रिवेंशन की जा रही है यह प्रिवेंशन होता क्या है देखिये प्रिवेंशन यह है टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग कोई भी चीज जो बुरी है उसको रोकने की जो बात की जाए उसे हम कहते हैं प्रिवेंशन अब बुरी बात क्या है बुरी बात जो है वो ऑपरेशन है अब ऑपरेशन को प्रिवेंट करने की बात हो रही है कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये जो ऑपरेशन की बात हो रही है ऑपरेशन का मतलब क्या है ऑपरेशन का मतलब है ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली तो इसका मतलब है कि हम ये जो एक्शन है कंपनी में जिसमें लोगों को जो कि स्टेक होल्डर्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स हैं जो कि क्रेडिटर्स हैं कि अगर उनको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है तो उनकी सच ट्रीटमेंट को रोका जा सके उसका सद्देबाब किया जा सके इसके अलावा जो बात हो रही है वो ये हो रही है इस टॉपिक में कि प्रिवेंशन ऑफ मिस मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट क्या चीज होती है मिसमैनेजमेंट ये होती है कि मैनेजिंग समथिंग बैडली तो ये टॉपिक बता रहा है कि यहां हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और प्रिवेंशन ऑफ मिस मैनेजमेंट इन अंपनी मैंने आपकी खिदमत में बड़ी दफारस किया कि देखें कंपनी इज अ मींस ऑफ कॉपरेशन कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपनी स्किल अपना कैपिटल अपनी लैंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं और गुड्स और सर्विसेज़ को प्रोड्यूस करते हैं कंपनी में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाता कंपनी में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है मीटिंग्स में तो वो मेजॉरिटी वोट्स जिस तरफ होंगे उसके तहत लिया जाएगा माइनॉरिटी को क्या यहां पर कोई प्रोटेक्शन है या नहीं है ये भी एक क्वेश्चन है अब जब कह दिया कि कंपनी इज अ मींस ऑफ कॉपरेशन और जितने भी लोग इकट्ठे होंगे वो सब जो है वो मिलजुल काम करेंगे और सर्विसज और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे मेजॉरिटी इज अथॉरिटी ये एक बड़ा बिग फिनोमिना है कंपनी की रिजीम में कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखे बात ये है कि कहा जाता है कि जब मेजॉरिटी इज अथॉरिटी तो अथॉरिटी जो है नेचुरली पावर का नाम है लॉर्ड एक्टन कहता है ऑल पावर क्राफ्ट एब्सोल्यूट पावर्स टेंट्स टू करप्ट एब्सलूटली ये लॉर्ड एक्टन ने क्या बात कह दी लॉर्ड एक्टन कह रहा है कि अगर किसी को तमाम ताकतें आपने दे दी तो वो करप्ट हो जाएगा और अगर आपने कतई तौर पे सारी ताकतें किसी एक शख्स को दे दी तो वो कतई तौर पर जो है वो करप्ट हो जाएगा तो देखने में ये आता है कि जब कंपनी में किसी ग्रोह के पास किसी ग्रुप के पास या किसी इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी आ जाती है पावर आ जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है वो ऑपरेशन करता है वो मिस मैनेजमेंट करता है इस एब्सुलूट पावर को हैंडल करने के लिए इसके ऊपर बैलेंस रखने के लिए इसको चेक करने के लिए सेक्शन 290 जो है वो डील कर रहा है ऑपरेशन और मैनेजमेंट की प्रिवेंशन से अब ये बात भी डिस्कस करने की है कि लॉर्ड एक्टन ने ये जो बात की कि ऑल पावर्स क्रप्ट एप्सुलूट पावर्स क्रप्ट एब्सोल्युटली ये क्यों बात की बात इसलिए की जो पोलिटिकल फिलोसफर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो इंसान की नेचर है उसमें डिस्ट्रस्ट है कि इंसान को जब पावर्स मिल जाती हैं तो ये सबको रोंद देता है तो इन फैक्ट्स से इंसान की नेचर से जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के बनाने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से अवेयर रहे हैं और उन्होंने ये जो कंपनी में पावर्स मिल जाती हैं शेयर होल्डर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी उसके ऊपर उन्होंने चेक जो है वो सेक्शन 290 के तहत लगाया है और इसके अलावा भी फॉलोइंग जो सेक्शन है वो इस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की प्रिवेंशन से डील करेंगे आइए सेक्शन 290 जो है उसका मुताला करते हैं एप्लीकेशन टू कोर्ट ये हेडिंग है सेक्शन 290 की इसका सबसेक्शन वन जो है उसको रीड करते हैं इफ एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 20 परसेंट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी और अ क्रेडिटर और क्रेडिटर्स हैविंग इंटरेस्ट इक्वल्ट इन अमाउंट To not less than 20% of the paid-up capital of the company complains or complain or the registrar is of the opinion that the affairs of the companies are being conducted or are likely to be conducted in an unlawful or fraudulent manner or in a manner not provided for in its memorandum or in a manner Oppressive to the member or any of the members or the creditors or any of the creditors or are being conducted in a manner prejudicial to the public interest, such member or members or the creditor or creditors as the case may be, the registrar may make an application to the court by petition for an order under this section. ये जो सबसेक्शन वन है ये स्टेब्लिश कर रहा है कि कौन लोग जो है वो पटिशन कोर्ट को कर सकते हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है कंपनी जो है वो फ्रॉडोलेंट एक्टिविटीज में है कंपनी जो है इसका जो रवैया है टूवर्ड्स माइनॉरिटी वो ऑप्रेसिव है इसके अलावा कंपनी जो है वो मेमोरेंडम के मुताबिक जो है वो रन नहीं हो रही तो जनाब इसके अलावा ये एक बात और हो रही है कि रजिस्ट्रार जो है अगर वो इस ओपिनियन का है कि जनाब कंपनी जो है ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कंपनी के मेंबर्स के साथ जो मैनेजमेंट का रवैया है वो ओप्रेसिव है और कंपनी जो है दैट इज नॉट बीइंग रन और कैरिड ऑन इथ एक्टिविटीज एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहां पर यह बात हो रही है जनाब के कौन लोग हैं कि जो एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं और कोर्ट की अटेंशन जो है वो मबजूल करवा सकते हैं यहां पर बात ये हो रही है कि इफ एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कि अगर एक मेंबर है या मेंबर्स हैं और उनके पास जो है वो ट्वेंटी ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल हैं तो कहा जा रहा है कि वो एंटाइटल्ड है दे मे फाइल अ पटीशन विद द जनाब आप देखें ये कंपनी के मैटर्स जो हैं क्या ये ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं क्या ये कंपनी के मैटर्स जो हैं ये ऑपरेसिव नहीं है क्या कंपनी के मैटर्स जो हैं वो मिस मैनेजमेंट का शिकार हैं या नहीं है इसके अलावा कौन है जो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को यहां पर बात हो रही है कहा जा रहा है अक्रेडिटर और क्रेडिटर्स एक क्रेडिटर creditor या क्रेडिटर्स जिनके पास 20% परसेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल का वैल्यू का इंटरेस्ट है तो कहा जा रहा है कि वो भी एंटाइटल्ड दे हैव राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द कोर्ट ऑब्जेक्टिंग दैट द कंपनीज अफेयर आर बींग रन ऑपरेसिवली इसके अलावा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि मेंबर्स को तो आपने राइट right दे दिया वो एप्लीकेशन फाइल कर दें कोर्ट के, को दे के, के सामने दे दे। इसके अलावा आपने क्रेडिटर्स को राइट दे दिया कि वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दे दें इसके अलावा ये बात हो रही है कि रजिस्ट्रार को भी ये राइट हासिल है यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं द रजिस्ट्रार इज ऑफ ओपिनियन रजिस्ट्रार की यह ओपिनियन फॉर्म्ड हो चुकी है देखे ओपिनियन रजिस्ट्रार की कैसे फॉर्मड होगी उसकी बेस में कोई ना कोई बातें तो होंगी ना जी रजिस्ट्रार की ओपिनियन कैसे बन रही है दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड और लाइकली टू बी कंडक्टेड इन एन अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट मैनर के रजिस्ट्रार रे इस ओपिनियन का है कि कंपनी के अफेयर जो है वो फ्रॉडुलेंटली जो है वो कैरिड ऑन हो रहे हैं कंपनी मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा कंपनी का जो है वो माइनॉरिटी के साथ वो ठीक नहीं है तो तीन लोगों के पास पावर्स आ रही है कि वो एप्लीकेशन टू कोर्ट दे सकते हैं ऑपरेशन को रोकने के लिए और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए कौन से तीन लोग हैं नंबर वन मेंबर्स ऑफ कंपनी नंबर टू क्रेडिटर्स और नंबर थ्री जो पार्टी है वो रजिस्ट्रार है सबसेक्शन टू इफ ऑन एनी सच पिटिशन द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन that the company's affairs are being conducted or are likely to be conducted as aforesaid and that to wind up the company would unfairly prejudice the members or creditors the court may with a view to bringing to an end the matters complained of make such order as it thinks fit whether for regulating the conduct of the company's affairs in futures or for the purchase of the shares of any members of the company by other members of the company or by the company, and in the case of purchase by the company, for the reduction accordingly of the company's capital or otherwise. Here, this subsection is discussed that. किसी मेंबर ने पटीशन फाइल कर दी कोर्ट को किसी क्रेडिटर ने पटीशन फाइल कर दी है कोर्ट को या रजिस्ट्रार ने पटीशन फाइल कर दी है कोर्ट को और कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जितनी भी एलिगेशंस लगी हैं वो बड़ी पॉजिटिव एलिगेशंस हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती दैट द कंपनीज अफेयर आर बींग कंडक्टेड और लाइकली टू बी कंडक्टेज एज अफोर्स कोर्ट जो है वो इस ओपिनियन की है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंपनी कर रही है कंपनी जो है दैट इज नॉट बीइंग बींग ग्रज पर दी स्पिरिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कोर्ट क्या कर सकती तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती कि जरा आप आइंदा आप अपनी कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको इन रूल्स के मुताबिक चलाएंगे अमेंडेड बिहेवियर को अडॉप्ट करने की बात कर सकती है इसके अलावा कोर्ट यह भी बात कर सकती है कि जनाब ये जो डिसग्रंटेड शेयर होल्डर है या डिसग्रंटेड जो स्टेक होल्डर है इसका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी बाय कर ले या उस शख्स के शेयर्स जो हैं वो कोई और शेयर होल्डर है वो बाय कर ले कोर्ट यह भी ऑर्डर कर सकती है कि अगर कंपनी खुद उस डिसग्रंटेड और एग्रीव शेयर होल्डर के शेयर्स जो है अगर बाय करती है तो कंपनी नेचुरली अपने शेयर कैपिटल को उसी तरह से रिड्यूस भी करेगी यहां पर जो बात नोटिस करने की है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ ऑप्रेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है कोर्ट कोशिश ये करती है कि कंपनी को इस कॉन्टेक्स्ट में वाइंडिंग अप की तरफ ना लेके जाए क्योंकि हो सकता है वाइंडिंग अप जो करना है वह शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के लार्जर इंटरेस्ट में ना हो तो जब यह बात स्टेब्लिश हो जाती है कोर्ट को कि वाइंडिंग अप नहीं करनी बल्कि इस कंपनी के मामला को सुधारना है तो कंपनी जो है जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है कंपनी को कि इसका जो फ्यूचर कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए और कंपनी जो है वो ड्यूटी बाउंड है उन डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए कोर्ट ये इस एक्सटेंट तक भी जाती है कि कोर्ट कहती है कि ये जो अग्रीव पटिशनर है जिसने कोर्ट के सामने पटीशन फाइल की है जिसने कोर्ट के सामने फाइल किया है कोर्ट ये कह सकती है कंपनी को कि आप इसके शेयर्स जो हैं वो बाय कर लीजिए और और इसी तरीके से अपने जो शेयर कैपिटल है उसको रेड्यूस कर लीजिए सबसेक्शन थ्री वेयर An order under this section makes any alteration in or addition to a company's memorandum or articles, then notwithstanding anything in any other provision of this ordinance, the company shall not have power without the leave of the court to make any further alteration in or addition to the memorandum or articles inconsistent with with the provisions of the order and the alterations or additions made by the order shall be of the same effect as if duly made by resolution of the company and the provisions of this ordinance shall apply to the memorandum or articles as so modified accordingly court ke samne, petition file ho aggrieved parties ne court ke petition file kar di. court ज ऑफ द ओपिनियन के कंपनी के मैटर्स जो है वो सही नहीं चल रहे ओप्रेसिव एटीट्यूड है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बैडली हो रही है कंपनी की मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट का शिकार है तो कोर्ट आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑर्डर करेगी कि अपने जो फ्यूचर एक्शन है उसको बेहतर कर लें यहां पर यह बात हो रही है कि जहां पर कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि कंपनी को कह रही है कि आप अपने मेमोरेंडम में और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये खास खास तब्दीलियां ले आए तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो खास खास तब्दीलियां इस ऑर्डर के नतीजे में आएंगी कंपनी उनको बदल नहीं सकती विदाउट गेटिंग द लीव फ्रॉम द कोर्ट कंपनी को यह कहा जा रहा है ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि देखो आपके अगेंस्ट पिटीशन फाइल होगी हमने पटीशन की हियरिंग कर ली है और वी आर कन्विंस्ड कि आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में तब्दीली होना जरूरी है तब्दीलियां जब कंपनी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए करेगी तो वो तब्दीली जो है वो सबस्टेंशिएट uh, रहेगी वो तब्दीली जो है वो फाइनल तब्दीली है और जो फाइनलाइज या चेंज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं उसमें तब्दीली अब कंपनी आम तरीके से नहीं ला सकती अगर वो तब्दीली लाना चाहती है मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो कोर्ट से परमिशन ले सब सेक्शन फोर की तरफ बढ़ते हैं जी अ कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन ऑल्टरिंग और एडिंग टू और गिविंग लीव टू ऑल्टर और एड टू कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चल within 14 days after the making thereof be delivered by the company to the registrar for registration and if the company makes default in complying with this subsection the company and every officer of the company who is knowingly or willfully in default shall be liable to fine which may extend to 5000 rupees and to a further fine नॉट एक्सीडिंग वन हंड्रेड रूपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये बात हो रही है कि जब कोर्ट ने पटीशन को फॉलो करते हुए सारे मैटर की स्क्रूटनी कर ली और कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि आप अपने मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन ले आए तो कहा यह जा रहा है कि जनाब इस कोर्ट के ये ऑर्डर की कॉपी जो है ये कंपनी के ऊपर जरूरी है कि ऑर्डर होने के 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को डिलीवर कर और रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएं ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई जा रही है ये इसलिए करवाई जा रही है ताकि जो नया कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप हुआ है थ्रू द कोर्ट ऑर्डर उसको जो है ऑथेंटिसिटी मिल सके और ताकि वो स्टैब्लिश हो आने वाले वक्तों में उसको कंपनी जो है वो फॉलो करें अगर कंपनी के ऑफिसर्स जो है नोइंगली एंड विलिंगली जानते बूझते हुए और एट इस ऑर्डर को जो कोर्ट ने दिया है रजिस्टर नहीं कराते तो कहा जा रहा है कि उनको जो है वो फाइन हो सकता है पांच हजार रुपए तक और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो हर आने वाले दिन का जो फाइन है दैट इज वन सेक्शन फाइव द प्रोविजेंस ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट प्रेजोडिस द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एनी अदर रेमेडी और एक्शन यह जो सेक्शन टू नाइनटी है यह भी रेमिडियल सेक्शन है अगर कोई शख्स अग्रीब है तो वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकता है और कोर्ट को अपना ग्रीवियंस जो है वो पेश कर सकता है। और कोर्ट के सामने अलर्ज कर सकता है कि मेरे साथ ये जुल्म जो है मेरे साथ ये ऑपरेशन हो रहा है या कंपनी जो है वो मिसमैनेजमेंट का शिकार है या कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या ये कह सकता है कि कंपनी जो है वो मेमोरेंडम के मुताबिक जो है अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर रही ये तो रेमेडी है एक एप्लीकेंट के पास एक पटिशनर के पास ये जो सबसेक्शन फाइव है वो पता क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो रेमेडीज अब रेमेडी जो है सेक्शन 290 के तहत जो अवेलेबल है इस रेमेडी की वजह से कोई और रेमेडी अंडर अदर लॉ एनी अदर लॉ जो अवेलेबल हो सकती है ऐसे शख्स को उसको अफेक्ट नहीं करती इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एप्लीकेट है पटिशनर है वो सेक्शन 290 को एक्सरसाइज करते हुए कोई रेमिडियल एक्शन की तरफ सीख करता है तो उसके साथ साथ उसके पास जो है वो दूसरे किसी लॉ के तहत भी जो रेमेडी अवेलेबल है वो भी मौजूद है सेक्शन टू नाइनटी वन पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन टू नाइनटी जो कोर्ट है उसकी पावर्स अंडर सेक्शन टू नाइनटी क्या है विदाउट प्रेजुडिस टू द जेनरलिटी ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन टू नाइनटी एन ऑर्डर अंडर दैट सेक्शन में प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन सेटिंग असाइड Or modification of any agreement, howsoever arrived at between the company and any director, including the chief executive, managing agent, or other officer, upon such terms and conditions as may, in the opinion of the court, be just and equitable in all the circumstances. Section 290 Kitat. कोर्ट के सामने पिटिशन आ जाती है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है फ्यूचर कंडक्ट को ठीक करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन की जाए ताकि कंपनी जो है वो अपने फ्यूचर कंडक्ट को एज पर एज पर जो अमेंडेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके मुताबिक चला सके वो पावर्स तो मौजूद हैं सेक्शन 290 के तहत वो जनरल पावर्स है इसके अलावा कौन सी पावर्स हैं कंपनी के पास सॉरी कोर्ट के पास सेक्शन 290 के तहत यहां पर यह बात की जा रही है कि सेक्शन 290 के तहत जो पावर्स हैं उसमें इवन तक ये भी शामिल है इवन ये भी शामिल है कि एक कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती किसी एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने की सेटिंग साइड करने की या मॉडिफिकेशन करने और वो एग्रीमेंट किसके दरम्यान हुआ हुआ वो कंपनी और डायरेक्टर के दरमियान हो सकता है वो कंपनी और चीफ एग्जैक्टिव के दरमियान हो सकता है वो कंपनी और मैनेजिंग एजेंट के दरमियान हो सकता है तो बात यहां समझने की ये है कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है अपने डायरेक्टर्स के साथ अगर वो जो है वो मिसमैनेजमेंट का बताते हैं अगर वो ये बताते हैं कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है वो अगर बताते हैं कि कोई एडवांटेज जो है वो डिसवांटेजली लिया जा रहा है तो कोर्ट अगर इस ओपिनियन की है तो कोर्ट अंडर सेक्शन टू नाइन्टी ऑर्डर कर सकती कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए उसको सेट असाइड कर दिया जाए या उसको मॉडिफाइड कर दिया जाए इसके अलावा कौन सी पावर है सेक्शन टू जो दे रहा है देखें without prejudice to the generality of the powers of the court under section 290 an order under that section may provide for setting aside of any transfer delivery of goods payment execution or other transactions not relating to property made or done by or against the company within 3 months before the date of the application which would if made or done

कोई पेमेंट्स जो है वो किसी को की गई है और पटिशन में ये जो अलज किया जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर है गुड्स की या ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो है ये प्रोडुलेंट है ये अगेंस्ट द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या ये कि ऑप्रेसिव है या ये कि यह मिसमैनेजमेंट तो कोर्ट अगर इस चीज को स्टेब्लिश कर लेती है तो कोर्ट जो है वो उन तीन माह के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको टर्मिनेट कर सकती है उनको सेटलसाइड कर सकती है और उनको मॉडिफाई कर सकती है आगे बढ़ते विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 290 एन ऑर्डर अंडर दैट सेक्शन में प्रोवाइड फॉर एनी अदर मैटर इंक्लूडिंग अ चेंज इन द मैनेजमेंट फॉर विच इन द ओपीनियन ऑफ द कोर्ट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट प्रोविजियन शुड बी मेड यहां पर बड़ी जबरदस्त पावर दी है कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने मिसमैनेजमेंट की है कंपनी की मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है कंपनी की मैनेजमेंट जो है दैट हैज गॉन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो कोर्ट इवन यहां तक जा सकती कि जनाब ये जो मैनेजमेंट है कंपनी की इसको बदल दिया जाए और ये करते हुए कोर्ट प्लीज ये लेगी कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है जस्ट एंड इक्विटेबल क्या होता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल से मुराद यह है कि बरमबनी हक को इंसाफ तो कोर्ट के मतम नजर जो बात रहेगी वो जस्ट एंड इक्विटेबल अप्रोच रहेगी और उसको फॉलो करते हुए जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसी को बदल दिया जाए सेक्शन 292 नाइनटी इंटरम ऑर्डर ये इंटरम ऑर्डर क्या होता है एक फाइनल ऑर्डर होता है एक इंटरिम ऑर्डर होता है इंटरिम ऑर्डर से मुराद है टेम्पररी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर से मुराद है कि जिसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आना आइए इस सेक्शन को पढ़ते पेंडिंग द मेकिंग बाय इट ऑफ अ फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 290, नाइनटी द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स मेक सच इंटेरम ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द कंपनी टू इट टू बी जस्ट एंड इक्वी टेबल यहां पर ये बात की जा रही है कि जब कोर्ट के सामने पटीशन फाइल होगी खा वो मेम्बर ने कर दी है या मेम्बर्स ने कर दी है या किसी एक क्रेडिटर ने की है या क्रेडिटर्स ने की है या रजिस्ट्रार ने की, ने की तो कोर्ट के पास ये पावर है कि बिफोर गिविंग फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है और कंपनी को यह कह सकती है कि जब तक कि नहीं फाइनल ऑर्डर आ जाता आप ये जो इंटरिम ऑर्डर है इसको फॉलो करें सेक्शन 293 क्लेम फॉर डैमेजेस इन एडमिसिबल वेयर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड अंडर सेक्शन 290 टर्मिनेट्स Set aside or modifies an arrangement, the order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for compensation for loss of office or in any other respect, either in pursuance of the agreement or otherwise. सेक्शन 293 को इंटरप्रेट करें आई वुड लाइक टू शेयर विद यू समथिंग अबाउट डैमेजेस ये डैमेजेस क्या होते हैं देखिए डैमेज जो है ये किसी चीज को नुकसान पहुंचना है और जब उस नुकसान की तलाफी कोई करेगा तो वो डैमेजेस पेक करेगा डैमेजेस की सिंगुलर डैमेज नहीं है और डैमेज की प्लूरल डैमेजेस नहीं है यह बात याद रखिएगा डैमेज मींस टू डैमेज कोई नुकसान कर और जब उस डैमेज की तलाफी की जाएगी तो उसको हम कहते हैं कि डैमेजेस जो हैं वो हमने पे कर दिए हैं डैमेजेस की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं ऑर्डनरी डैमेजेस होते हैं स्पेशल डैमेजेस होते हैं डैमेजेस होते हैं यहां पर यह बात की जा रही है कि जनाब जब पटिशन कोर्ट के सामने फाइल हुई और पटिशनर्स ने पलीली अल्ज किया कि जनाब कंपनी के अफेयर जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं कंपनी जो है दैट इज नॉट रन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी कि मैनेजमेंट जो है वो मिसमैनेजमेंट का शिकार है और कंपनी जो है उसका जो एटीट्यूड टूवर्ड्स माइनॉरिटी है वो ऑप्रेसिव है इसके अलावा ये भी प्ली ले सकते हैं पटिशनर्स के जनाब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो कंपनी चीफ एग्जेक्टिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या कंपनी एक मैनेजिंग एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ये सारा जो है ये शैम और पपेट है ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंपनी को एग्जॉस्ट किया जा रहा है फाइनेंशियली और ये जो डायरेक्टर्स हैं चीफ एग्जेक्टिव और मैनेजिंग एजेंट सेक्टर हैं दे आर मेकिंग मनी और फॉल्स तरीके से मनी मेकिंग हो रही तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए उसको सेटेस्फाइड कर दिया जाए उस अरेन्जमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए या उस अरेंजमेंट को मॉडिफाई कर दिया जाए तो यहां इस सेक्शन में 293 में यह बात की जा रही है कि क्लेम फॉर डैमेजेस जो है वो इन एडमिसिबल है एडमिसिबल वो चीज जो के काबले कबूल है कि जो एंटरटेनेबल है कि जिसके ऊपर पॉन्ड्रिंग हो सकती है सोच विचार हो सकती है जिसका ट्रायल हो सकता है जिसकी एग्जामिनेशन हो सकती है तो यहां पर बात हो रही है क्लेम फॉर डैमेजेस इन एडमिसिबल कि एक शख्स जो है वो कह रहा है कि मेरा ये क्लेम है कि मुझे डैमेजेस दें क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया या कॉन्ट्रेक्ट सेटिसाइड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन आ गई है और मुझे नुकसान हो गया मुझे डैमेज हो गया है तो मुझे डैमेजेस दें तो यहां पर यह बात हो रही है कि अगर कोई शख्स ऐसे डैमेजेस क्लेम करता है तो वो इन एड मिसिबल है कि किसी किस्म की कॉम्पनसेशन कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में डिस्टरबेंस अगर किसी को भी होती है तो सूरत में बिल्कुल बिल्कुल पे नहीं की जाएगी सेक्शन टू नाइनटी फाइव मैनेजमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर सबसेक्शन वन इफ एट एनी टाइम क्रेडिटर और क्रेडिटर्स having interest equivalent in amount to not less than 60% of the paid up capital of a company represents or represent to the commission that the affairs or business of the company are or is being or have or has been conducted or managed in a manner likely to be prejudicial to the interest of the company its members or creditors or any director of the company or person concerned with the management of the company is or has been guilty of breach of trust misfeasance or other misconduct towards the company or towards any of its members or creditors or directors management by administrator सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट के ऊपर डिस्ट्रस्ट आ रहा है मैनेजमेंट को अब हटा दिया जाए कंपनी की को और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एडमिनिस्टर करे अफेयर्स ऑफ कंपनी उसको अपॉइंट कर दिया ये कैसे होता है यहां पर ये बात हो रही है कि अगर इफ एट एनी टाइम क्रेडिटर और क्रेडिटर्स एक क्रेडिटर है या क्रेडिटर्स है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उनके पास जो है इंटरेस्ट है जिसकी वैल्यू बराबर है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेड कैपिटल ऑफ अ कंपनी अगर उनके इंटरेस्ट इतना है कि उसकी वैल्यू बराबर है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी तो वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कमीशन के सामने कि जनाब ये जो कंपनी है इसके अफेयर्स जो हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है इसके अफेयर्स जो हैं, वो रन किए जा रहे हैं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट है वो गिल्टी है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मिस फीजन्स के या मिस कंडक्ट के तो कमीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो कमीशन मैनेजमेंट को हटा देगा और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको अपॉइंट कर देगा ताकि कंपनी के अफेयर्स जो है वो चल सके इफ एट एनी टाइम अ क्रेडिटर और क्रेडिटर्स हैविंग इंटरेस्ट इक्वल एंड इन अमाउंट टू नॉट लेस देन 60% of the paid up capital of a company represents or represent to the commission that the affairs or business of the company are or is being or have or has been conducted or managed with intent to defraud its members or creditors or any other person or for a fraudulent or unlawful purpose or in a manner oppressive of any of such person or for purposes एज अफोर्स ये दूसरी ग्राउंड दी जा रही है क्रेडिटर्स ही है कि जिनके इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वह सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वो अगर कमीशन को रिप्रेजेंटेशन करें और इसमें यह बात करें कि जनाब ये जो कंपनी के अफेयर हैं यह इस तरीके से चलाए जा रहे हैं कि फ्रॉड किया जा रहा है मेंबर्स के साथ क्रेडिटर्स के साथ या किसी और शख्स के साथ या वो ये भी क्ली ले सकते हैं कि कंपनी जो है वो अनलॉफुल पर्पज जो है उसको अचीव करने की तगो दो जो है वो कर रही है और कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसका रवैया टुवर्ड्स अ पर्सन और पर्सन जो के माइनॉरिटी में है उनके लिए ऑपरेसिव है और अगर कमीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया इस रेप्रजेंटेशन से तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए अपॉइंट कर देगा तीसरी कौन सी ग्राउंड है जी जिसके ऊपर क्रेडिटर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करवा सकते हैं आइए उसको पढ़ते द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बिन सो कंडक्टेड और मैनेज एज टू डिप्राइव द मेम्बर्स देयर ऑफ ऑफ अ रीजनेबल रिटर्न अगर क्रेडिटर कमीशन के सामने ये एस्टेब्लिश कर दें कि कंपनी के अफेयर्स इस तरह मैनेज किए जा रहे हैं कंपनी के अफेयर्स इस तरह कंडक्ट किए जा रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं उनको महरूम किया जा रहा है रीजनेबल रिटर्न से अब रीजनेबल रिटर्न क्या है नेचुरली जब मेंबर्स शेयर्स खरीदेंगे तो वो डिविडेंड का इंतजार करेंगे डिविडेंट जो है वो रीजनेबल रिटर्न है उनके लिए अगर उनके लिए रीजनेबल रिटर्न मौजूद नहीं है मैनेजमेंट जो है वो इस तरह कैलकुलेशन कर रही है कि रीजनेबल रिटर्न जो है वो मेंबर्स को नहीं दिया जा रहा और अगर कमीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि यस yes, जो इनके अफेयर्स हैं कंपनी के वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है और विलिंगली ये कोशिश की जा रही है कि रीजनेबल रिटर्न जो है वो मेंबर्स को ना दिया जाए तो कमीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है नेक्स्ट कौन सी ग्राउंड है जी कि जिसको लेके एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है वो ये है कि एनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और यूनिट टू बी सेटअप और बिलोंगिंग टू द कंपनी हैज नॉट बिन कंप्लीटेड और हैज नॉट कविंस्ड ऑपरेशन और हैज नॉट बिन ऑपरेटिंग स्मूथली और इट्स प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस हैज सो डिटीरिएटेड दैट द मार्केट वैल्यू

उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए क्रेडिटर्स जो हैं, वो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या एक यूनिट है जिसको कंप्लीट करना था और उसको विद इन अस्पेसीफाइड टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं किया और अगर उसका ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करना था तो वो जो ऑपरेशन जो है कमिंसमेंट जो है वो भी स्पेसिफाइड स्पैन ऑफ टाइम में कमिंस नहीं हो सका तो दो सिचुएशन एक तो यह कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगना था इंडस्ट्रियल यूनिट लगना था लगाई नहीं विद इन द प्रेस्क्राइब स्पैन ऑफ टाइम दूसरा यह है कि लग तो गया लेकिन यह है कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो उसको कमिंस नहीं कर सका और अगर कमिंसमेंट भी प्रोडक्शन की कर दी है तो सूरत हाल यह है कि मार्केट वैल्यू जो शेयर की है स्टॉक एक्सचेंज पे वो पार वैल्यू सेवेंटी फाइव परसेंट नीचे गिर गई और डेट इक्विटी रेशो नाइन टू वन है और करंट रेशो जो है वो जीरो पॉइंट फाइव टू वन हो गई है तो कहा जा रहा है कि इस सीचुएशन में भी अगर कमीशन सेटिस्फाइड होगा कि जनाब ये तो बहुत बुरी हालत होगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स की तो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो मिसमेनेजमेंट का शिकार है कंपनी इज बैडली मैनेज तो वहां पर कमीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है इसके अलावा यह बात हो रही है कि जनाब अगर क्रेडिटर्स ये प्ली ले लें दैट एनी इंडस्ट्रियल यूनिट ओन्ड बाय द कंपनी इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स और हैज बीन इन ऑपरेशन इंटरमिटेंटली और पार्शली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग टू इयर्स कि अगर क्रेडिटर्स ने यह प्ली ले ली कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट है कि जो दो सालों में जो है ऑपरेटिव नहीं है या अगर ऑपरेटिव भी रहा है तो कभी उसने काम किया है और कभी वो बंद रहा है पिछले दो सालों में तो ये प्ली लेकर भी क्रेडिटर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करवा सकते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसको फारग कर दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा नेक्स्ट प्ली जो क्रेडिटर्स ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए वो ये है दूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द कंपनी एक्सीड 60 परसेंट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल ये सिचुएशन ये है कि जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द कंपनी है वो उसके पेड अप कैपिटल से 60 परसेंट एक्सीड करके तो अगर क्रेडिटर कमीशन को यह रेप्रेजेंटेशन दे, दे तो कमीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्रेडिटर्स जो हैं वो कमीशन को अप्लाई कर रहे हैं कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और कंपनी का कोई शख्स नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है देखें रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो तो फॉलो होगा नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड इसका मतलब है कंपनी को मैनेजमेंट को एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा कमीशन कमीशन उनको भी सुनेगा कमीशन क्रेडिटर्स को भी सुनेगा और फिर कमीशन जो भी डिडक्शंस निकाले उसके तहत कमीशन मे अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर सबसेक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेटर शैल रिसीव सच रेमुलेशन एज द कमीशन मे डिटरमेंट नेचुरली जब एडमिनिस्ट्रेटर आएगा कंपनी के अफेयर्स को रन करेगा तो उसको कॉम्पनसेशन भी देना है उसको उसके रेमोनोरेशन भी देनी है तो कौन तय करेगा उसकी रेमोनोरेशन उसकी कॉम्पनसेशन तो यहां पर यह बात हो रही है कि जनाब कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वो उसकी कॉम्पनसेशन को डिटर्मिन करें सबसेक्शन थ्री ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर The management of the affairs of the company shall vest in him, and he shall exercise all the powers of the directors or other persons in whom the management vested and all such directors and persons shall stand divested of that management and powers and shall cease to function or hold office. commission order. कि एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट हो जाएगा उस डेट से वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंपनी की मैनेजमेंट को चलाएगा तमाम पावर्स जो हैं वो उसमें वेस्ट हो जाएंगी और जितने भी डायरेक्टर्स थे चीफ एग्जीक्यूटिव थे या मैनेजिंग एजेंट्स थे वो डायवर्स्टेड हो जाएंगे वो दे विल स्टैंड वोकेटेड फ्रॉम देअर ऑफिस दे वुड हैव नो मोर पावर टू रन दफेयर्स ऑफ द कंपनी नाउ द पावर वेस्ट In administrator. Now that will run the affairs. Ko Subsection 4. Where it appears to the administrator. That any purchase or sales agency contract has been entered into. Or any employment given patently to benefit any director. Or other person in whom the management vested or his nominees. And to the detriment of the interest of the general members. The administrator. मे विथ द प्रीवियस अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंप्लॉयमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के रिकॉर्ड को खंगालता है और उसमें पाता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें जो डिसएडवांटेजियसली बेनिफिट जो है वो डायरेक्टर्स को दिया है या डायरेक्टर्स के नॉमिनी को दिया हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर कमीशन को अप्लाई कर सकता है और कह सकता है कि जनाब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए ये जनरल मेंबर की के इंटरेस्ट के अगेंस्ट और ये बाइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये प्रेजुडिस्ट है ये जो है कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते तो कमीशन की अप्रूवल से वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर सकता है इसके बाद ये बात हो रही है कि सब सेक्शन सिक्स ये कह रहा है कि इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द कमीशन द पर्पज ऑफ द ऑर्डर

कि जनाब जिस पर्पज के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था वो पर्पज फुलफिल हो चुका है तो कमीशन जो है वो ये ऑर्डर कर सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंपनी के अफेयर्स को अब हैंडल नहीं करेगा और परमिट करती है कंपनी को कि वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर लें और अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करें तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर हमें बात ये समझ लगी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है वो बड़ा पिविटल है और इट इज अ चेक ऑन मिसमैनेजमेंट और इट इज अ चेक ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट जो कि मिसमैनेजमेंट का शिकार है अगर कोई कंपनी ऑपरेसिवली काम करती फाइनेंशियली डिटीनरेटेड होती है तो यहां पर जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है आई होप You have understood today's topic. Now, I proceed to share with you a very interesting quotation. We need to find God, and He cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature trees.